जदों पताल पुत्र विच भगवान बुद्ध नूं आशीर्वाद प्राप्त होया तां हर व्यक्ति ने उन्हां नूं अपनी हैसियत दे अनुसार तोहफे देण दी योजना बनाउणी शुरू कर दित्ती। राजा बिंबीसार ने भी भगवान बुद्ध नूं कीमती हीरे मोती अते रतन भेट कीते। भगवान बुद्ध ने खुशी नाल सब नूं एक हथ नाल स्वीकार कर लिया। इस तों बाद मंत्रियां सेठां शाहूकारां ने भी उन्हां नूं अपने तोहफे भेट कीते। भगवान बुद्ध ने उन्हां सारिआं नूं भी एक हथ नाल स्वीकार कर लिया। इस दौरान एक बुढ़ी औरत सोटी लैके आ गई, बुद्ध देव नूं नमस्कार किया अते कहा, श्रीमान जी, जदों मैनूं तुहाडे आउण दी खबर मिली उस समय मैं यह अनार खा रही सी। मैं यह अद्धा खाधा होया फल लियाई हाँ क्योंकि मेरे कोल होर कुछ भी नहीं है। जे तुसी मेरा यह महत्वपूर्ण तोहफा स्वीकार नहीं करते हो तो मैं बदकिस्मत महसूस करांगी। भगवान बुद्ध ने उस फल नूं दोवां हत्थां नाल स्वीकार कर लिया। जदों राजा बिंबीसार ने यह वेख्या तां उसने भगवान बुद्ध नूं कहा, हे स्वामी, मैनू माफ करो, मैं एक प्रश्न पूछना चाहुंदा हाँ। असी सारिआं ने तुहानूं कीमती अते वड्डे वड्डे तोहफे दित्ते ने जो तुसी एक हथ नाल स्वीकार किते, पर तुसी इस औरत द्वारा दित्ते छोटे अते गंदे फल नूं दोवां हथ नाल स्वीकार क्यों कर लिया? अजिहा क्यों किया? यह सुन के बुद्ध देव हस गए अते बोले, राजन, तुसी कीमती तोहफे दित्ते हन पर यह सब तुहाडी दौलत दा दसवां हिस्सा भी नहीं है। तुसी यह दान गरीबां दे फायदे लई नहीं कीता, इसलिए तुहाडा दान सात्विक दान दी श्रेणी विच नहीं आ सकता। इस दे उल्ट इस औरत ने मैनू अपने मुँह दा मिठा फल ही दे दिता। हालांकि यह बुढ़ी औरत गरीब है पर उसनू दौलत की कोई इच्छा नहीं, इसलिए मैं इसका दान खुले दिल नाल दोवां हत्थां नाल स्वीकार रहा है। फिर मिलांगे दोस्तों अगली वीडियो दे विच, तद तक ले रब राखा।